वेलकम टू माय चैनल आज हम क्वाडरेचर से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं फाइंड एरिया कॉमन टू फॉलोइंग सर्कल दो सर्कल दिए गए हैं उनको कॉमन एरिया फाइंड करना है फर्स्ट की इक्वेशन है आर इज टू ए एंड रूट ऑफ टू एंड सेकंड है आर इज इक्ल टू टू आइस ऑफ ए तो दोनों फर्स्ट सर्कल मान मानिए सीवन जिसकी इक्वेशन है आर इज टू ए एंड रूट ऑफ टू सेकंड सी टू सर्कल है जिसकी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू टू आइस ऑफ ए सबसे पहले इनको ट्रेस करते हैं फिर लिमिट फाइंड करते हैं आर इज इक्वल टू ए एंड रूट ऑफ टू ये हमारा सर्कल होगा सीवन जिसका सेंटर है ओरिजिन वो हमारा एक सर्कल दिया गया जिसकी रेडियस रेडियश रूट डायरेक्ट सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर हमारा जीरो जीरो है राइट दैट मीन्स एट ओरिजिन सेकंड है आर इजकुल टू ट्वाइस ऑफ ए कोस्टिटा ये सर्कल अगर हम ट्रेस करते हैं तो थीट्टा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया करो वन इक्वेशन अनचेंज है क्योंकि कोस माइनस थी टिटा ही रहता है दैट मीन्स करोवी सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन जितना इनिशियल लाइन के ऊपर है सेम इतना इनिशियल लाइन के नीचे है और कोई सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अब अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं थिट्टा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पर कौन जीरो डिग्री वन होता है आर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ है मान लिया राइट इज इक्वल टू पाई बाई टू देखते हैं तो पाई बाई टू पर देखते हैं कॉस पाई बाई टू होता है जीरो दैट मीन्स आर की वैल्यू जीरो जैसे ही पाई बाई टू वाई एक्सिस के पास आ रहा है जीरो आ रहा है और पाई बाई फोर पर देखते हैं कॉस पाई बाई फोर क्या था है, वन डिवाइडेड बाई रूट टू तो ए वैल्यू क्या आ रही है ए डिवाइडेड बाई रूट टू कुछ यहाँ पर आ रही है तो ये एक टाइप का हमारा सर्कल कुछ इस टाइप का हमारे साथ फॉर्म हो जाता है अब हमें एरिया फाइंड करना है दैट मीन्स बिटवीन बोथ द सर्कल इनका कॉमन एरिया तो ये जो शेडिड रीजन है ये इनका कॉमन एरिया है राइट तो ये कुछ एक हमने यहाँ से अगर हम एक ये दोनों किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए तो ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके लिए इन दोनों की आर की वैल्यू सेम आएंगी तभी तो उस पॉइंट वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम आर को इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ ए कोस थी इज इक्वल टू ए रूट ऑफ टू यहां से देखा जाए तो एवं डिवाइड बाई रूट टू मीस थाइज इक्वल टू पाई बाई फोर थिटाज इक्ल टू पाई बाई फोर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो अपना पॉइंट पी है और इसको अगर हमने ओ से ज्वाइन कर दिया तो वो एक एंगल बना रहा है पाई बाई फोर विद इनिशियल लाइन इस एंगल पर उसका जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका जो वैक्टोरियल एंगल है वो अपना क्या है पाई

राइट right. तो so, सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं एरिया ओ एम पी एस ओ ओ एम पी एस ओ ये जो है इस पाई वे फोर लाइन के बिलो दैट मींस लिमिट क्या है जीरो से पाई वे फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई वे फोर वन बाई टू थर्स के डी थीटा और इसके लिए करो क्या है करो सी वन करो है तो आर की वैल्यू सी वन वाली रहेगी दैट मींस ए अंडर रूट ऑफ टू का स्केय आर स्केर की जगह ए अंडर रूट टू उसका स्केयर हो जाएगा ये हमारे पास क्या जाता है इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास वन बाय टू है इसका square आगे आगे, स्केर आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्केयर इंटू में डी थिटा आ गया तो यहाँ पर देखो टू से टू कैंसिल हो गया ए स्केर कॉन्स्टेंट है बारह आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर इंटू में डी थिटा आ जाता है डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अपर लिमिट पाई बाई फोर लोअर लिमिट जीरो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया पाई बाई फोर ऑफ ए स्केर इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री मान ली तो जो हमारा जीरो से लेकर पाई बाई फोर के बिलो ये जो अपना रीज़न है ये इतना रीज़न है ये हमारे पास आ गया अब हमें ये रीज़न फाइंड आउट करना है ये हमारा पाई बाय फोर से पाई बाई टू लिमिट के बीच में लाई कर रहा है राइट तो अब हम फाइंड करते हैं एरिया o s p t o o s p t o ये जो एरिया है इसके लिए लिमिट क्या है π फोर से π टू तक इंटीग्रेशन फ्रॉम π फोर से π टू और ये किस करोगे के अंदर आ रहा है c2 दैट मींस r की वैल्यू भी हम c2 वाली ही लेंगे दैट मींस 1 तो थॉर्स के डी थीटा होता है तो r की जगह c2 वाली कर में r क्या है 2 ऑफ a cos थीटा इसका स्क्वायर हो जाता है राइट right? तो यहां पर देखो टू का स्क्वायर करेंगे फोर हो जाएगा टू डिवाइड में है तो क्या बच गया टू बच गया और ए स्क्र बारह आ जाएगा कॉन्टेंट क्वान्टिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई फोर से पाई बाई टू टाइस ऑफ फोस्कयर थीटा ट्वाइस ऑफ को स्केर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस कोस टू थीटा इंटू में डी थीटा है अब इसको इंटीग्रेट करते हैं वन को इंटीग्रेट करेंगे थीटा आ जाता है कोस टू का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट पाई बाई फोर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्केयर इंटू पाई बाई फोर माइनस में वन बाई टू आ जाता है तो ये हमारा एरिया कितना आ गया ओ एस पी टी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया लाई कर रहा है वो इन दोनों का सम आएगा दैट मींस एरिया अबो इनिशियल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है मीन्स इनिशियल लाइन के अबो ये एरिया टोटल एरिया वो इनिशियल लाइन क्या होगा एरिया ओ एम पी एस ओ प्लस एरिया ओ एस पी टी ओ होता है राइट तो ये फर्स्ट एरिया था ये हमारे पास क्या था पाई बाई फोर ऑफ एसकेर जो हमने निकाल लिया था और इसकी वैल्यू अभी है हमारे पास है ही है दैट मीन्स पाई फोर ऑफ एसकेयर माइनस में एस के डिवाइडेड बाई टू इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दैट मीन्स पाई बाई टू ऑफ एसकेयर माइनस में एस के डिवाइडेड बाई टू आ गया ये अबो इनिशियल लाइन आया है और हमारी कर्व थी वो सीमेट्रिक थी इनिशियल लाइन के अबोट मीन जितना एरिया इनिशियल लाइन के ऊपर लाइ कर रहा है सेम उतना एरिया इनिशियल लाइन के बिलो भी लाइक करेगा दैट मीन्स नेट एरिया क्या आएगा इस एरिया का च्वाइस दट मीन्स च्वाइस कर दे पाई बाई टू ए स्केर माइनस में ए स्केय डिवाइडेड बाई टू तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई ए स्केर माइनस में ए स्केर यहाँ से ए स्केयर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया पाई माइनस में वन स्केयर यूनिट ये अपने पास एरिया नेट एरिया जाता है एनक्लोज बिटवीन बोथ द सर्कल्स थैंक यू